हेलो बच्चों, आज का विषय है हिंदी और हम हैं पृष्ठा अंक 47 में। तो ये कहानी है, यहाँ बरगद का एक पेड़ कुछ बच्चों को हवा महल के बारे में एक कहानी सुना रहा है। एक बच्ची यहाँ बोल रही है, इस महल में इतनी सारी छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। बरगद के पेड़ ने क्या कहा, आओ मेरे पास बैठो, तुम्हें इस महल के बारे में बताता हूँ। तब बरगद के पेड़ ने बच्चों को कहानी सुनाना आरंभ किया। बरगद ने कहा, हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर में, और वहाँ हवा महल है। यह एक राजसी महल है। यह 5 मंजिला इमारत है। यह सिटी महल का ही हिस्सा है। यह बाहर से देखने में मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है। तब बच्चों ने पूछा, इस महल में इतनी सारी खिड़कियां क्यों हैं? तब बरगद ने जवाब दिया, इसमें 953 बहुत सुंदर छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों से ठंडी हवा महल में आती रहती है, तभी तो इसे हवा महल कहा जाता है। हवा महल लाल और गुलाबी पत्थर से बना है। यह जयपुर के बाजार के बीच में स्थित है। तब बच्चों ने पूछा, इस महल को किसने बनवाया था? बरगद ने उत्तर दिया, इसे कई 100 वर्ष पहले महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह राजस्थान की शान है। तो ये कहानी थी हवा महल के बारे में, जिस कहानी से हमें कई सारी जानकारी भी मिल चुकी है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कविता कथा के बारे में, जिसका नाम है खट्टे हैं अंगूर। हाँ, ये कविता है और इसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है इस कविता के रचयिता। तो बच्चों, इस कविता कथा में हम बहुत कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे ये जान लें। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम उसे पाना ज़रूर चाहते हैं। उस चीज़ को पाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचते हैं और कोशिश करते रहते हैं। यदि वह चीज़ मिल जाए तो खुशी मिलती है, लेकिन यदि ना मिल पाए तो अपने आप को समझाने के लिए हम कोई बहाना बना लेते हैं। पंचतंत्र की कहानी के इस कविता रूप में यही बताया गया है। तो क्या बताया गया है जाने। एक लोमड़ी खोज रही थी जंगल में कुछ खाने को, दिख पड़ा जब अंगूरों का गुच्छा लपकी पाने को। ऊंचाई पर था वह गुच्छा, दाने थे रसदार बड़े। लगी सोचने अपने मन में, कैसे ऊंची डाल चढ़े। नहीं डाल पर चढ़ सकती थी, खड़ी हुई दो टांगों पर। पहुंच न पाई ऊपर उचकी, अपना थूथन ऊपर कर। बार बार वह ऊपर उछली, बार बार नीचे गिरकर। लेकिन अंगूरों का गुच्छा रह जाता था बीते भर। 100 कोशिश करने पर भी गुच्छा रहा दूर का दूर। अपनी हार छिपाने को वह बोली, खट्टे हैं अंगूर। तो इस कविता में कई अर्थ हमें जानने हैं। इस कविता में आए गए कई शब्दों के अर्थ हमें जानने हैं। तो वो क्या है, खोजना मतलब ढूंढना, उचकी मतलब पंजों के बल खड़ी हुई, बित्ते भर मतलब थोड़ा सा, लपकी मतलब जल्दी से आगे बढ़ी, थूथन मतलब मुंह। तो बच्चों, इस कविता कथा में हम ये जान चुके हैं कि एक लोमड़ी थी जो कि अपना खाना खोज रही थी जंगल में, और उसे जब अंगूरों का गुच्छा दिखता है तब वो जल्दी से आगे बढ़ती है उन गुच्छों को पाने के लिए। लेकिन वो गुच्छा था बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई पर। वो सोचने लगी कि कैसे उसे गुच्छा मिल सके। वो तो ऊपर भी ना चढ़ सकी, तो वो अपने टांगों पर खड़ी हो गई। उसने उचकी भी लगाई, यानी पंजों के बल वो खड़ी हो गई अपना मुंह ऊपर कर। लेकिन हमेशा बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वह अंगूरों का गुच्छा बित्ते भर रह जाता, मतलब थोड़ा सा दूर ही रह जाता, उसको मिल ही ना पाया।
तो यहाँ भी हमने देखा कि लोमड़ी बहुत कोशिश करती है जो चीज़ उसे पसंद थी, यानी अंगूर का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा पाने के लिए वह बहुत कोशिश करती है, मगर वो कामयाब ना हो सकती है। तो यही हमें सीख मिलती है, क्या जब चीज़ जो हमें मिल जाती है तो हम उससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो ना मिल पाए तब अपने आप को समझाने के लिए हम कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, जैसे कि लोमड़ी ने यहाँ ढूंढा और लोमड़ी ने अपने आप को बताया कि शायद ये अंगूर ही खट्टे हैं, ये अंगूर बिल्कुल अच्छे नहीं है, रसदार नहीं है, इसीलिए तो मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैंने तो कोशिश की थी लेकिन ये अंगूर बिल्कुल अच्छे नहीं है, खट्टे हैं ये और रसदार भी नहीं है। तो ये कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।